जाओ ना किसी दिन, चलते हैं मार्केट। नहीं मैं भी नहीं गई काफी दिन से, ये ठीक रहेगा, सही है। अच्छा मैं सोच रही हूँ, मेरी कजन की शादी आ रही है तो उसपे ना और अम्मी ड्रेस, क्या कह रही हो? हाँ ये सही है यार, तुम भी तो आ जाओ ना किसी दिन यार, मैं ही आती रहती हूँ हमारे पास। क्या हो गया, ये कौन इतना तेज तेज बोल रहा है कि मेरा तो नमाज में भी ध्यान भटक रहा था। अम्मी इस घर में गिनती के चार लोग हैं, उनके अलावा और कौन होगा? भाई भाभी आ गए जी, और मैं आपको यही बताने आई हूँ, आप जाके उन्हें अपनी जबान में समझा दें कि आहिस्ता बात करें, मेरा कल पेपर है मुझे पढ़ना है। अम्मी मैं कहूंगी तो खामखा उन्हें बुरा लग जाएगा। बेटा वो कहाँ समझेगी, तुम ही दफा करो, अभी देखना बोल बोल के थक के सो जाएगी। और तुम भी कौन सा पढ़ रही थी, अभी मैंने खुद नमाज पढ़ने से पहले तुम्हें देखा कि तुम भी सो रही थी। अम्मी मैं सो नहीं रही थी, मैं बस थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और अगर मैं इस बार भी फेल हो गई ना तो उसके जिम्मेदार भाई और भाभी होंगे, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो तुम लोगों के झमेलों में ना बस मैं पिसके रह गई हूँ। नाइला नाइला नाइला, कहाँ मर गई नाइला? अच्छा चलो तुम किसी दिन आ जाओ ना, फिर साथ ही मार्केट चलते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये अच्छा रहेगा वाकई। नाइला एक मिनट, बेटा ये तुम सारी बातें सुबह कर लेना, अफशीन का पेपर है उसे सोना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा यार मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय। आपको जरा भी तमीज है, अगर कोई फोन पे बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, किसी ने सिखाया भी है आपको? अब आप अपनी तमीज भूल रही हैं, आपको पता है कि आप किससे बात कर रही हैं? अब तुम सिखाओगी मुझे तमीज? ये क्या लगा रखा है हा? जब देखो लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, इस घर में तो दो मिनट सुकून के गुजारने ही हिसाब है। शोर शराबा हमने शुरू नहीं किया, आपकी बीवी ने किया है। अफशीन मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि नायला को भी कह रहा हूँ। तो डायरेक्ट उसे बोले ना, हमने शुरुआत थोड़ी की है, इसने की है। देख लिया किस कदर जबान चलती है आपकी बहन की, ये सब अम्मी की छूट और आपकी लापरवाही का नतीजा है। अम्मी की छूट तो नहीं, हाँ भाई की लापरवाही का जरूर नतीजा है, उन्हें आपके सिवा किसी और की फिक्र ही नहीं। अगर थोड़ा सा टाइम हमें भी देते ना तो बेहतर होता। अफशीन ठीक ही तो कह रही है, उसका पेपर है बेटा उसे पढ़ना होता है। आपके इसी लाड प्यार ने ना इसे बदतमीज बना दिया है और ये घर में फसाद करती फिरती है। अपनी जबान संभाल के बात करो। वरना क्या क्या कर लोगे हैं? बोलो। आ जाओ अफशीन तुम आ जाओ, अफशीन चलो। और नायला तुम्हें भी छोटे बड़ों की कोई तमीज नहीं है हा? मैंने क्या किया है, वो बदतमीज है। तुम बड़ी हो, तुम्हें समझाना चाहिए उसे। अच्छा और वो कुछ ना समझे? तुम कम नहीं हो वैसे भी, समझ आई तुम्हारे? तो ठीक है छोड़ दो मुझे भाई। जाग रही है अभी। सच बताओ बेटा क्या परेशानी है? अम्मी आपको तो पता है नायला कितनी तेज मिजाज की है, हर वक्त लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढती रहती है उसे। अम्मी आप अफीन को समझाएं कि ये रोज रोज का झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। बेटा मैं तफशीन को समझाती हूँ लेकिन क्या करूँ, उसका मिजाज भी नायला की तरह तेज है। तो तुम्हारी बीवी भी तो किसी बात का जवाब दिए बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो हर वक्त घर में तमाशा लगा रहता है। अच्छा तो मेरी बुराइयाँ हो रही हैं, थोड़ी देर आँख क्या लग गई, यहाँ तो बुराइयों की लाइन ही लग गई। रात के इस वक्त लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारे इस घर में मेरे किरदार की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही होती है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो बस ऐसे बैठे हुए थे। बस बस रहने दे, खूब जानती हूँ मैं आपको, और अगर इतनी बुरी लगती हूँ ना मैं तो तलाक दिलवा दे अपने बेटे से। नायला मैं तुम्हारी हर वक्त तरफदारी करता रहता हूँ लेकिन तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है हा? आज भी गलती अफशीन की नहीं तुम्हारी थी, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। रहने दे सब पता है मुझे,
मेरे पीठ पीछे आप अपनी माँ से मेरी बुराइयाँ करते हैं। मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि आप मर्द हैं या औरत। बेटा बुरी बात होती औरत पे हाथ नहीं उठाते। अब ये तुम लोगों ने क्यों लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया? मम्मी आप भी तो देखे ना सिर्फ जो मुँह में आता है बकती रहती है, बगैर सोचे समझे बोल देती है। तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मम्मी आप इसे यहाँ से लेके जाइए प्लीज। रहने दो खुद चले जाऊंगी मैं। आए बड़े अम्मा के चमचे। पिताजी मेरे घर को तो किसकी नजर लग गई है? अरे अम्मा किसी की नजर वजर नहीं लगी है, बस आप अफशीन को समझा दीजिए कि छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर दिया करें। हाँ बेटा समझा दूंगी मैं उसे, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ जाके सो जाकर। हाँ भैया। बिरयानी खोरमा कोफ्ते, समझ नहीं आ रहा है आज क्या बनवाऊं खाने में। बाजी चाय? ये अच्छा किया मायरा तुम चाय ले आई। लगता है आपने अभी तक नहीं सोचा कि रात के खाने में क्या बनेगा। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बात है तो तुम्हें पता हो क्या बनाना चाहिए। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कश्मीरी पुलाव बना लेती हूँ रात के खाने में। That's good. लेकिन एक बात का ख्याल करना मायरा, पुलाव थोड़ा ज्यादा बना। अगर कोई मेहमान आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अच्छा। देखो दरवाजे पे कोई आया है, चलो मैं देखती हूँ। नैना बीबी आप आज अचानक? ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, चलो हटो यहाँ से, हटो। नैना बेटा अचानक, मुझे बता रही थी बेटा मैं लेने आ जाती, क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ? बैठो तो सही, बैठो बेटा, मुझे खुलकर बताओ क्या बात हुई है, क्या माजरा है? आप फिक्र मत करें अम्मी, मुझे पता है आपसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं अपना दिल का बोझ हल्का करने आई। बेटा मुझे बताओगी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा ना, जब तक तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। होना क्या था अम्मी, मैं अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी, बस मेरी सास और नंद के आराम में खलल पड़ गया, आके मुझे बातें सुनाने लगी और वो शहरोज उन्होंने भी मेरी साइड ले ली। ठीक है बेटा मैं उनसे बात करती हूँ, और जब तक मैं उनसे बात ना करूँ तुम अपने घर मत जाना। नहीं अम्मी मुझे घर जाना होगा, अगर मैं घर नहीं गई ना तो वो लोग समझेंगे मेरी गलती थी, इसीलिए मैं घर छोड़ के चली गई। लेकिन अम्मी आप उनसे प्लीज बात जरूर कर लीजिएगा। तुम्हें जो बेहतर लगे बेटा। ठीक है अच्छा ठीक है अम्मी मैं अब चलती। अरे बेटा थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी जा रहे हो? नहीं अम्मी मैं रुक नहीं सकती, मैं उनको और बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती। चलो ठीक है इतिहास से जाना बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा, बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं अम्मी आप रहने दे, मैं खुद ले लूंगी। भाई चले गए थे? बेटा वो तो कब का चला गया, वो बेचारा तो सिर्फ बीवी बहन और माँ के झगड़ों में उलझ के रह गया। अरे आहिस्ता बोले अम्मी, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो सर पे पूरा घर उठा लेंगी। बेटा वो घर पर नहीं है। क्यों वो कहाँ चली गई? अरे बेटा ना उसने मुझे बताया और ना मैंने उससे पूछा, लेकिन सुनो
जब वो आ जाएगी ना, खुदा का वास्ता अपनी जबान मत रख। ठीक है अम्मी, जैसा आप बोले। वैसे एक बात बताएं, भाभी घर पे नहीं है तो बहुत सुकून है ना? अच्छा बस ज्यादा बातें ना करो, जाके मुंह हाथ धो, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है, आप खाना लगाएं, मैं जब तक मुंह हाथ धो के आ रही हूँ। हुआ? मैंने यहाँ अपनी किताबें रखी थी, आपने उठाई हैं क्या? नहीं, मैं क्यों उठाऊंगी, यहीं होंगी। यहाँ नहीं है। अब मेरी किताबों के पाँव तो नहीं है ना कि खुद उठ के कहीं चली जाए। आहिस्ता बोलो, ये अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया ना, पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। और वैसे भी भाई के आने का वक्त हो रहा है। तमाशा तो यहाँ का रोज का मामूल बन गया है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा भाई, मैं ढूंढ देती हूँ। मैं अच्छी तरीके से ढूंढ चुकी हूँ, मगर अपनी तसल्ली के लिए आप एक बार और ढूंढ लीजिए। मुझे तो लगता है मेरी किताबें भाभी नहीं छुपाई है, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। इसका बोलो, सुन लेगी, क्या हो गया तुमको? सुन लिया आपने? अब इस घर में मुझ पे किताबें चोरी के इल्जाम भी लगेंगे। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं तुम्हें नई किताबें ला दूंगा। भाई एजेंसी की वजह से किताबें कहीं में भी नहीं मिल रही है। तो फिर ढूंढो, यहीं कहीं रखी होंगी। मैंने और अम्मी ने बहुत अच्छे से ढूंढा, मगर किताबें कहीं नहीं मिली। अगर सही तरह ढूंढती ना तो मिल भी जाती। अगर हमने सही तरह नहीं ढूंढा तो आप ही ढूंढ के दे दे। हाँ हाँ ढूंढ देती हूँ मैं। ये रही तुम्हारी किताबें। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अपनी इस बेटी से पूछे, इसी ने रखी होंगी। ये भी आप ही की कोई ट्रिक होगी, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। खामोश हो जाओ, तंग आ गया मैं तुम लोगों के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। घर में आओ तो मुसीबत, बाहर जाओ तो मुसीबत। आप लोगों को भी ना बस लड़ने के बहाने चाहिए नए नए रोजाना। वाह भाई, ये अच्छा है, ले ली ना तुमने फिर अपनी माँ बहन की साइड। मैं ही भूलू उस घर में। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती ये बात? मुझे मत समझाया करे, उसको समझाया करे। संभाल के रखा करो अपनी चीजें। क्या हो गया, क्यों इतना चीख रही हो तुम? ये देखें, ये तो अफशीन की किताब है, यहाँ पे क्या कर रही है? मुझसे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे, उसने जानबूझ के रखी होगी यहाँ ताकि आपके सामने वो मुझे बुरा साबित कर सके। अफशीन, अफशीन, जी भाई क्या हुआ? ये तुम्हारी किताब है, यहाँ किसने रखी? अरे मैं तो कब से यही किताबें ढूंढ रही थी, मगर ये यहाँ कैसे आई? हमसे क्या पूछ रही हो, तुम खुद बताओ यहाँ क्या कर रही है तुम्हारी किताबें? मैंने ये किताबें यहाँ नहीं रखी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ही ने यहाँ किताबें रखी थी ताकि तुम शहरोज के सामने मुझे बुरा साबित कर सको। कुछ तो शर्म करो नायला, हद होती है हर बात की। तुम्हें आखिर परेशानी क्या है मुझसे और अफशीन से? वाह भाई, बेटी को कह दिया तो कैसा बुरा लग रहा है। मुझे पता है आप ही ने सिखाया होगा इसको, तभी तो अपनी साइड ले रही हैं आप इसकी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। हाँ हाँ, आप लोगों को तो यही लगता है ना, इस घर में सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। तो ठीक है, मैं ही मर जाती हूँ। अफशीन, अफशीन, अरे मरने दो इसे, ड्रामे कर रही है सारे, मरना मरना तो है नहीं। अफशीन, अफशीन, अरे मरने दे इसे, ड्रामे कर रही है। एक तो इस घर के ड्रामे ही नहीं खत्म होते।
अफशीन, अफशीन देखो बेटा दरवाजे पे कौन है? आई अम्मी। देखो तो कौन आया। अरे आंटी आप आइए, अंदर आइए। अम्मी सलमा आंटी आई है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहन। आई अंदर आई, मैं बैठने के लिए नहीं आई। नायला को बुलाओ। नायला बाहर आओ बेटा, मैं गेट पर खड़ी हूं। बेटा कहाँ जा रही हो, बताओ तो सही। मुझे के ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं और दिखावे की फिक्र, समझ आई? आप क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना जाने तुम्हारे घर में सारे दिन क्या मसाइल होते रहते हैं, नहीं रह सकती है मेरी बेटी तुम्हारे साथ। देखिए ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारे नालायक बेटे शहरों से शादी करवा के मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कह देना उससे जब तक केस का निकाह ना हो जाता है, तुम्हारा कफन दफन ना हो जाए, मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। चलाओ बेटा। बेटा भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मी। हाँ बेटा बैठो। और हाँ जरा अपनी भाभी को भी बुला लेना, उनसे कहना कि वो फाइल लेकर आ जाए जो मैंने उन्हें संभाल के रखने के लिए गई थी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चाहो अपनी भाभी को बुला कर लाओ। अच्छा तुम रहने दो, तुम्हें अभी उसके पास भेजना मुनासिब नहीं रहेगा। मैं खुद उसको जाकर बोल देता हूँ। बेटा वो आज सलमा आई थी। सलमान थी? क्यों, खैरियत? क्या कह रही? भाई तुम्हें आपको बताती हूँ। नायला, अभी के अभी उठो और मेरे साथ चलो यहाँ से। देखो हम आराम से बात करते हैं। मेरी जिंदा माँ को मरने की बद्दुआ देने के बाद खुद यहाँ अपनी माँ के साथ बैठ के कुछ गपियों में मसरूफ वहाँ। अच्छा बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। खबरदार मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी बहन को रुखसत नहीं कर देते। देखिए मेरी बहन कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मुझे तो दूसरी बीवी मिल जाएगी लेकिन माँ और बहन नहीं। तो कर लो किसी और से शादी, छोड़ दो मुझे। काश काश कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्द होता ना तो ऐसा जरूर करता। वैसे भी ये तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, चाहे पड़ी रहो सारी उम्र अपनी माँ के घर। और आंटी अगर आज आपकी बेटी का घर टूट रहा है ना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। चलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। देख लिया आपने। दरवाजा खुला हुआ लगता है, निकली बाहर गई हुई है। हो सकता है इस तरह हम बाहर खड़ों का अंदाजा लगा करेंगे, अंदर चल के देखते हैं। हाँ अम्मी, 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 अ
आपको कैसे मालूम हुआ कि कत्ल घर में हो गया है? सर हम तो शाम से ही गए हुए थे, वापसी आए तो आंटी को इस हाल में देखा। मकतूला साहब का क्या रिश्ता है? सर मैं उनकी बेटी हूँ। घर से भागते हुए किसी को देखा आपने? आपके और मकतूला के अलावा इस घर में कौन कौन रहते हैं? मैं और अम्मी, मैं भी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। एक मासी भी तो रहती है इनके घर में। हाँ वो गांव गई हुई कुछ दिन से। खैर वो जहाँ गई भी है तफ्तीश के लिए उसे बुलाया जाएगा। आप ये बताइए आपने कहा कुछ दिन पहले आए हैं, इससे पहले कहाँ थे आप? सर मैं शादीशुदा हूँ, ससुराल में थी अपने। उनमें से किसी को इस वाकये के बारे में नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि अम्मी की और मेरी कशीदगी चल रही है उनसे। कैसी कशीदगी? दरअसल सर मुझे बहुत तंग करते हैं ससुराल वाले, खास तौर पे मेरी सास और नंद, इसीलिए मुझे अम्मी घर ले आई थी। और आपका शौहर? कुछ अरसे बाद वो भी अपने घर वालों की बातों में आ गए थे और इसी कशीदगी को लेके उन्होंने मेरी अम्मी को संगीन नतायज की धमकी भी दी थी। ठीक है, जब तक हम आपकी ससुराल जगह तहकीकात करते हैं तब तक आप अपनी मुलाजमा को गांव से बुला लीजिए। और हाँ याद रहे इस वाकये के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। जी चलो राणा। खबर तो तुम्हें पहले ही मिल गई थी, लेकिन एक खबर हमें भी मिली है। मकतूला के कत्ल से पहले आखिरी धमकी तुमने दी थी ना? सच सच बताओ कि कत्ल तुमने किया या किसी से करवाया? इंस्पेक्टर साहब तेरे बच्चे ने कोई कत्ल नहीं किया। खामोश रहे बीबी, सच सच बता ये तेरे अकेले की वारदात है या पूरा घर मुलविस है? इंस्पेक्टर साहब हमारा यकीन करें, हम बेकसूर हैं। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार ये तो तफ्तीश में मालूम हो ही जाएगा। जब लोकअप की आवाज आएगा ना तो सब कुछ बताएगा। राणा सर ये चलो इसे। मेरी बात आप लोग यहीं रुके। घर में कत्ल हुआ है मोहतरमा। कत्ल? किसका कत्ल? तुम्हारी मालकन का, क्योंकि तुम इस घर की मुलाजमा हो इसलिए तुमसे भी पूछताछ होगी। मगर मेरा तो इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, भाजी ने तो मुझे खुद छुट्टी दी थी। किसका किससे क्या ताल्लुक है ये कड़िया जोड़ना हमारा काम है, क्योंकि तुम काफी टाइम से मकतूला की मुलाजमा थी इसलिए तुमसे भी तफ्तीश होगी। तुम अच्छी तरह से सोच के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इसके ऊपर शक है? किससे मिलना है आपको? नायला से मिलना है। जी नायला बीबी हैं, आ जाइए। नायला बीबी इकराम साहब। हाँ जाओ तुम चाय बनाओ जाके। अच्छा तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? देखो
सब ठीक तो हो रहा था, तुम क्यों आए ग्राम? वो क्या कर रहा? तुम्हें पता है उस नौकरानी को वापस रख लिया पुलिस वालों ने। तो क्या हो गया, क्या कर लेगी वो? देखो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे यार तुम बिले वाले डरती रहती हो, जिस तरह हमने प्लान किया ना, इस तरह कुछ भी नहीं होगा, किसी का शक भी मुझ में नहीं आएगा। लेकिन तुम जाओ भी यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी। तू खुद ही सच सच बताएगा या इसमें भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। ये टोपियां किसी और को पहनाना, जितना पूछ रहा हूं ना सच सच बता। सर ये ठीक है कि कत्ल मैंने किया है, मुझसे कत्ल नायला ने करवाया। क्यों? सर मैं तो इसे भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन ये जायदाद के चक्कर पड़ी रही। हाँ बीबी, ये बताओ कि तुमने अपनी माँ का कत्ल करके इल्जाम अपने शौहर पर क्यों लगाया? सर मैं शादी से पहले इकराम को पसंद करती थी। इकराम के साथ? अम्मी वो मेरा दोस्त है, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम ये है कि वो एक आवारा और अय्याश किस्म का लड़का है, कई बार जेल जा चुका है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा, अब बहुत बदल गया है वो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मेल झोल ऐसे लड़के के साथ हो जिसका कल शर्मनाक है। लेकिन अम्मी आगे कुछ नहीं सुनूंगी मैं, जो कह दिया सो कह दिया। बात समझने की कोशिश करो इकराम, मेरी अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। मैं तो कहता हूँ भाग चलो मेरे साथ। नहीं इकराम, अगर मैंने ऐसा किया तो अम्मी मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगी और फिर मुझे गरीबों वाली जिंदगी गुजारनी होगी। तो फिर हम क्या करें, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। तो हम शादी कर सकते हैं ना? सही है, ठीक है, भूलना मत, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी इकराम। ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रहे हैं। सही। ओके, बाय। और इस तरह तुमने अपने दुनियावी जन्नत हासिल करने के लिए अपनी हकीकी माँ का कत्ल कर दिया। अरे शर्म आती है मुझे तुम पर। राणा लॉकअप करण है और चलान तैयार करो, और हाँ शेरोज को भी वापस लाओ, ले जाओ इन्हें। जावेद की फाइल अंदर भेजो। शेरोज साहब हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। देखिए आपको मालूम है कि सब हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, सब पर शक करना हमारी मजबूरी है। जी सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने असल कातिलों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी माँ और बहन की जिंदगी भी बच गई। बहुत शुक्रिया आपके पापा, थैंक यू सो मच।
अंदाजा लगा करेंगे, अंदर चल के देखते हैं। हाँ आपको कैसे मालूम हुआ कि कत्ल घर में हो गया है? सर हम तो शाम से ही गए हुए थे, वापसी आए तो आंटी को इस हाल में देखा। मकतूला साहब का क्या रिश्ता? सर मैं उनकी बेटी हूँ। घर से भागते हुए किसी को देखा आपने? आपके और मकतूला के अलावा इस घर में कौन कौन रहते हैं? मैं और अम्मी, मैं भी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। एक मासी भी तो रहती है इनके घर में। हाँ वो गांव गई है कुछ दिन से। खैर वो जहाँ गई भी है तफ्तीश के लिए उसे बुलाया जाएगा। आप ये बताइए आपने कहा कुछ दिन पहले आए हैं, इससे पहले कहाँ थे आप? सर मैं शादीशुदा हूँ, ससुराल में थी अपने। उनमें से किसी को इस वाक्य के बारे में नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि अम्मी की और मेरी कशीदगी चल रही है उनसे। कैसी कशीदगी? दरअसल सर मुझे बहुत तंग करते हैं ससुराल वाले, खास तौर पे मेरी सास और नंद, इसीलिए मुझे अपनी घर ले आई थी। और आपका शौहर? कुछ अरसे बाद वो भी अपने घर वालों की बातों में आ गए थे और इसी कशीदगी को लेके उन्होंने मेरी अम्मी को संगीन नतायज की धमकी भी दी थी। ठीक है, जब तक हम आपकी ससुराल जाकर तहकीकात करते हैं तब तक आप अपनी मुलाजमा को गाँव से बुला लीजिए। और हाँ याद रहे इस वाक्य के बारे में उसको कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। जी चलो राणा। कत्ल की खबर तो तुम्हें पहले ही मिल गई थी, लेकिन एक खबर हमें भी मिली है। मकतूला के कत्ल से पहले आखिरी धमकी तुमने दी थी ना? सच सच बताओ कि कत्ल तुमने किया या किसी से करवाया? इंस्पेक्टर साहब तेरे बच्चे ने कोई कत्ल नहीं किया। खामोश रहे बीबी, सच सच बता ये तेरे अकेले की वारदात है या पूरा घर मुलविस है? इंस्पेक्टर साहब हमारा यकीन करें, हम बेकसूर हैं। कौन बेकसूर है और कौन कसूरवार ये तो तफ्तीश में मालूम हो ही जाएगा। जब लॉकअप की हवा खाएगा ना तो सब कुछ बताएगा। राणा सर ये चलो इसे। मेरी बात आप लोग यहीं रुके। इस घर में कत्ल हुआ है मोहतरमा। कत्ल? किसका कत्ल? तुम्हारी मालकन का, क्योंकि तुम इस घर की मुलाजमा हो इसलिए तुमसे भी पूछताछ होगी। मगर मेरा तो इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, भाजी ने तो मुझे खुद छुट्टी दी थी। किसका किससे क्या ताल्लुक है ये कड़िया जोड़ना हमारा काम है, क्योंकि तुम काफी टाइम से मकतूला की मुलाजमा थी इसलिए तुमसे भी तफ्तीश होगी। तुम अच्छी तरह से सोच के मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इसके ऊपर शक है?
अच्छा तो मेरी बुराइयां हो रही हैं, थोड़ी देर आंख क्या लग गई, यहाँ तो बुराइयों की लाइन ही लग गई। रात के इस वक्त लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते हैं और हमारे इस घर में मेरे किरदार की नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही होती है। मिथा ऐसी कोई बात नहीं है, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, हम तो बस ऐसे बैठे हुए थे। बस बस रहने दे, खूब जानती हूँ मैं आपको, और अगर इतनी बुरी लगती हूँ ना मैं तो तलाक दिलवा दे अपने बेटे से। नाइला मैं तुम्हारी हर वक्त तरफदारी करता रहता हूँ लेकिन तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। हाँ आज भी गलती अफशीन की नहीं तुम्हारी थी, लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहा। रहने दे, सब पता है मुझे, मेरे पीठ पीछे आप अपनी माँ से मेरी बुराइयां करते हैं। मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि आप मर्द हैं या औरत। नाइला बेटा पूरी बात होती औरत पे हाथ नहीं उठाते, अब ये तुम लोगों ने क्यों लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मम्मी आप भी तो देखे ना सिर्फ, जो मुंह में आता है बकती रहती है, बगैर सोचे समझे बोल देती है। तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? मम्मी आप इसे यहाँ से लेके जाइए प्लीज। रहने दो, खुद चले जाऊंगी मैं। आए बड़े अम्मा के चमचे। पिताजी मेरे घर को तो किसकी नजर लग गई है। अरे अम्मा किसी की नजर वजर नहीं लगी है, बस आप अफशीन को समझा दीजिए कि छोटी मोटी बातों को दरगुजर कर दिया करें। हाँ बेटा समझा दूंगी मैं उसे, तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ जाके सो जाकर। हाँ भैया। बिरयानी खोरमा कोफ्ते, समझ नहीं आ रहा है आज क्या बनवाऊं खाने में। बाजी चाय। ये अच्छा किया मायरा तुम चाय ले आई, लगता है आपने अभी तक नहीं सोचा कि रात के खाने में क्या बनेगा। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, ये बात है तो तुम्हें बताओ क्या बनाना चाहिए। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कश्मीरी पुलाव बना लेती हूँ रात के खाने में। That's good. लेकिन एक बात का ख्याल करना मायरा, पुलाव थोड़ा ज्यादा बना, अगर कोई मेहमान आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी अच्छा। देखो दरवाजे पे कोई आया है, चलो मैं देखती हूँ। नैना बीबी आप आज अचानक? ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, चलो हटो यहाँ से, हटो। नैना बेटा अचानक, मुझे बता रही थी बेटा मैं लेने आ जाती, क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ, बैठो तो सही, बैठो बेटा, मुझे खुलकर बताओ क्या बात हुई है, क्या माजरा है? आप फिक्र मत करें, मुझे पता है आपसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं अपना दिल का बोझ हल्का करने आई। बेटा मुझे बताओगी तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा ना, जब तक तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। होना क्या था अम्मी, मैं अपनी दोस्त से फोन पे बात कर रही थी, बस मेरी सास और नंद के आराम में खलल पड़ गया, आके मुझे बातें सुनाने लगी और वो शहरोज उन्होंने भी मेरी साइड ले ली। ठीक है बेटा मैं उनसे बात करती हूँ, और जब तक मैं उनसे बात ना करूँ तुम अपने घर मत जाना। नहीं अम्मी मुझे घर जाना होगा, अगर मैं घर नहीं गई ना तो वो लोग समझेंगे मेरी गलती थी, इसीलिए मैं घर छोड़ के चली गई। लेकिन अम्मी आप उनसे प्लीज बात जरूर कर लीजिएगा। तुम्हें चबूतरा लगे बेटा? ठीक है। अच्छा ठीक है अम्मी मैं अब चलती हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर बैठो तो सही, इतनी जल्दी जा रहे हो। नहीं अम्मी मैं रुक नहीं सकती, मैं उनको और बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहती। चलो ठीक है, इतिहास से जाना बेटा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मार्केट? नहीं, मैं भी नहीं गई काफी दिन से। ये ठीक रहेगा, सही है। अच्छा मैं सोच रही हूँ, मेरी कजन की शादी आ रही है तो उस पे ना और अम्मी क्या कह रही हूँ? अम्मी हाँ ये सही है, तुम भी तो आ जाओ ना किसी दिन यार, मैं ही आती रहती हूँ। क्या हो गया, ये कौन इतना तेज तेज बोल रहा है कि मेरा तो नमाज में भी ध्यान भटक रहा था। अम्मी इस घर में गिनती के चार लोग हैं, उनके अलावा और कौन होगा? भाई भाभी आ गए जी, और मैं आपको यही बताने आई हूँ, आप जाके उन्हें अपनी जबान में समझा दें कि आहिस्ता बात करें, मेरा कल पेपर है मुझे पढ़ना है। अम्मी मैं कहूंगी तो खमखा उन्हें बुरा लग जाएगा। बेटा वो कहाँ समझेगी, तुम ही दफा करो, अभी देखना बोल बोल के थक के सो जाएगी। और तुम भी कौन सा पढ़ रही थी, अभी मैंने खुद नमाज पढ़ने से पहले तुम्हें देखा कि तुम भी सो रही थी। अम्मी मैं सो नहीं रही थी, मैं बस थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, और अगर मैं इस बार भी फेल हो गई ना तो उसके जिम्मेदार भाई और भाभी होंगे, मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो तुम लोगों के झमेलों में ना बस मैं पिसके रह गई हूँ। नाइला 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 कहाँ मर गई नाइला? अच्छा चलो तुम किसी दिन आ जाओ ना, फिर साथ ही मार्केट चलते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये अच्छा रहेगा वाकई। नाइला एक मिनट। बेटा ये तुम सारी बातें सुबह कर लेना, अफशीन का पेपर है उसे सोना, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अच्छा यार मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। आपको जरा भी तमीज है, अगर कोई फोन पे बात कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलते, किसी ने सिखाया भी है आपको? अब आप अपनी तमीज भूल रही हैं, आपको पता है कि आप किससे बात कर रही हैं? अब तुम सिखाओगी मुझे तमीज? ये क्या लगा रखा है हा? जब देखो लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, इस घर में तो दो मिनट सुकून के गुजारने ही हिसाब है। शोर शराबा हमने शुरू नहीं किया, आपकी बीवी ने किया है। अफशीन मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि नाइला को भी कह रहा हूँ। तो डायरेक्ट उसे बोले ना, हमने शुरुआत थोड़ी की है, इसने की है। देख लिया किस कदर जबान चलती है आपकी बहन की, ये सब अम्मी की छूट और आपकी लापरवाही का नतीजा है। अम्मी की छूट तो नहीं, हाँ भाई की लापरवाही का जरूर नतीजा है, उन्हें आपके सिवा किसी और की फिक्र ही नहीं। अगर थोड़ा सा टाइम हमें भी देते ना तो बेहतर होता। अफशीन ठीक ही तो कह रही है, उसका पेपर है बेटा उसे पढ़ना होता है। आपके इसी लाड प्यार ने ना इसे बदतमीज बना दिया है और ये घर में फसाद करती फिरती है। अपनी जबान संभाल के बात करो। वरना क्या क्या कर लोगे हैं? बोलो। आ जाओ अफशीन तुम आ जाओ, अफशीन चलो। तुम्हें भी छोटे बड़ों की कोई तमीज नहीं है? हाँ मैंने क्या किया है, वो बदतमीज है। तुम बड़ी हो, तुम्हें समझाना चाहिए उसे। अच्छा और वो कुछ ना समझे? तुम कम नहीं हो वैसे भी, समझ आई तुम्हारे? तो ठीक है छोड़ दो मुझे भाई। जाग रही है अभी। सच बताओ बेटा क्या परेशानी है? अम्मी आपको तो पता है नायला कितनी तेज मिजाज की है, हर वक्त लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढती रहती है। अम्मी आप तफीन को समझाएं कि ये रोज रोज का झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। बेटा मैं तफशीन को समझाती हूँ लेकिन क्या करूँ, उसका मिजाज भी नाइला की तरह तेज है। तुम्हारी बीवी भी तो किसी बात का जवाब दिए बगैर नहीं रह सकती, इसलिए तो हर वक्त घर में तमाशा लगा रहता है। अरे मरने दे इसे, ड्रामे कर रही है। पागल हो गई क्या? मार दो तुम्हें। चुड़ैल जाएं। चुप रहो तुम। सामने कपड़े रख, क्या चाहती हो तुम आखिर? चुड़ैल क्या बेटा तुम जाओ, एक तो इस घर के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। अफशीन अफशीन देखो बेटा दरवाजे पे कौन है? आई अम्मी।
देखो तो फोन आया। अरे आंटी आप आइए, अंदर आइए। अम्मी सलमा आंटी आई है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बहन। आई अंदर आई, मैं बैठने के लिए नहीं आई। नायला को बुलाओ। नायला बाहर आओ बेटा, मैं गेट पर खड़ी हूँ। बेटा कहाँ जा रही हो, बताओ तो सही। मुझे मेरे ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं और दिखावे की फिक्र, समझ आई? आप क्या कह रही है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ना जाने तुम्हारे घर में सारे दिन क्या मसाइल होते रहते हैं, नहीं रह सकती है मेरी बेटी तुम्हारे साथ। देखिए ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। वो सब मुझे नहीं पता। तुम्हारे नालायक बेटे शहरों से शादी करवा के मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कह देना उससे जब तक केस का निकाह ना हो जाता है, तुम्हारा कफन दफन ना हो जाए, मेरी बेटी यहाँ नहीं आएगी। चलाओ बेटा। वालेकुम सलाम। जाओ बेटा भाई के लिए पानी लेकर आओ। जी अम्मी। हाँ बेटा बैठो। और हाँ जरा अपनी भाभी को भी बुला लेना, उनसे कहना कि वो फाइल लेकर आ जाए जो मैंने उन्हें संभाल के रखने के लिए गई थी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? जाओ अपनी भाभी को बुला कर लाओ। अच्छा तुम रहने दो, तुम्हें अभी उसके पास भेजना मुनासिब नहीं रहेगा। मैं खुद उसको जाकर बोल देता हूँ। बेटा वो आज सलमा आई थी। सलमान थी? क्यों, खैरियत? क्या कह रही? भाई तुम्हें आपको बताती हूँ। नायला, अभी के अभी उठो और मेरे साथ चलो यहाँ से। देखो हम आराम से बात करते हैं। मेरी जिंदा माँ को मरने की बद्दुआ देने के बाद खुद यहाँ अपनी माँ के साथ बैठ के कुछ गपियों में मसरूफ वहाँ। अच्छा बैठो तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। खबरदार मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी उस वक्त तक जब तक कि तुम अपनी बहन को रुखसत नहीं कर देते। देखिए मेरी बहन कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है, मुझे तो दूसरी बीवी मिल जाएगी लेकिन माँ और बहन नहीं। तो कर लो किसी और से शादी, छोड़ दो मुझे। काश काश कि मैं तुम्हारी तरह खुदगर्द होता ना तो ऐसा जरूर करता। वैसे भी ये तुम्हारी सोच है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, चाहे पड़ी रहो सारी उम्र अपनी माँ के घर। और आंटी अगर आज आपकी बेटी का घर टूट रहा है ना तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप है। चलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। देख लिया आपने। दरवाजा खुला हुआ लगता है, निकली बाहर गई हुई है। हो सकता है इस तरह हम बाहर खड़ा कर। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बेटा, बैठो मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं अम्मी आप रहने दे, मैं खुद ले लूंगी। भाई चले गए क्या? बेटा वो तो कब का चला गया, वो बेचारा तो सिर्फ बीवी बहन और माँ के झगड़ों में उलझ के रह गया। अरे आहिस्ता बोले अम्मी, अगर भाभी ने सुन लिया ना तो सर पे पूरा घर उठा लेंगी। बेटा वो घर पर नहीं है। क्यों, वो कहाँ चली गई? अरे बेटा ना उसने मुझे बताया और ना मैंने उससे पूछा, लेकिन सुनो
जब वो आ जाएगी ना, खुदा का वास्ता अपनी जबान बंद कर। ठीक है अम्मी, जैसा आप बोले। वैसे एक बात बताएं, भाभी घर पे नहीं है तो बहुत सुकून है ना। अच्छा बस ज्यादा बातें ना करो, जाके मुंह हाथ धो, मैं खाना लगा रही हूँ। ठीक है आप खाना लगाएं, मैं जब तक मुंह हाथ धो के आ रही हूँ। मैंने यहाँ अपनी किताबें रखी थी, आपने उठाई हैं क्या? नहीं मैं क्यों उठाऊंगी, यहीं होंगी। यहाँ नहीं है। अब मेरी किताबों के पाँव तो नहीं है ना कि खुद उठ के कहीं चली जाए। आहिस्ता बोलो, ये अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया ना पूरा घर सर पे उठा लेगी वो। और वैसे भी भाई के आने का वक्त हो रहा है। तमाशा तो यहाँ का रोज का मामूल बन गया है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। अच्छा भाई मैं ढूंढ देती हूँ। मैं अच्छी तरीके से ढूंढ चुकी हूँ, मगर अपनी तसल्ली के लिए आप एक बार और ढूंढ लीजिए। मुझे तो लगता है मेरी किताबें भाभी नहीं छुपाई है, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। इस्ता बोलो, सुन लेगी क्या हो गया तुमको? सुन लिया आपने? अब इस घर में मुझसे किताबें चोरी के इल्जाम भी लगेंगे। तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैं तुम्हें नई किताबें ला दूंगा। भाई एग्जाम्स की वजह से किताबें कहीं में भी नहीं मिल रही है। तो फिर ढूंढो, यहीं कहीं रखी होंगी। मैंने और अम्मी ने बहुत अच्छे से ढूंढा है, मगर किताबें कहीं नहीं मिली। अगर सही तरह ढूंढती ना तो मिल भी जाती। अगर हमने सही तरह नहीं ढूंढा तो आप ही ढूंढ के दे दें। हाँ हाँ ढूंढ देती हूँ मैं। ये रही तुम्हारी किताबें। ये तुम्हें कहाँ से मिली? अपनी इस बेटी से पूछे, इसी ने रखी होंगी। ये भी आप ही की कोई ट्रिक होगी, सिर्फ मुझे तंग करने के लिए। खामोश हो जाओ, तंग आ गया मैं तुम लोगों के रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। घर में आओ तो मुसीबत, बाहर जाओ तो मुसीबत। आप लोगों को भी ना बस लड़ने के बहाने चाहिए नए नए रोजाना। वाह भाई ये अच्छा है, ले ली ना तुमने फिर अपनी माँ बहन की साइड। मैं ही भूली उस घर में। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती ये बात? मुझे मत समझाया करे, उसको समझाया करे। संभाल के रखा करो अपनी चीजें। क्यों इतना चीख रही हो तुम? ये देखें। ये तो अफशीन की किताब है, यहाँ पे क्या कर रही है? मुझसे क्यों पूछ रहे? उससे पूछे, उसने जानबूझ के रखी होगी यहाँ ताकि आपके सामने वो मुझे बुरा साबित कर सके। अफशीन, अफशीन जी भाई क्या हुआ? ये तुम्हारी किताब है, यहाँ किसने रखी? अरे मैं तो कब से यही किताबें ढूंढ रही थी, मगर ये यहाँ कैसे आई? हमसे क्या पूछ रही हो? तुम खुद बताओ यहाँ क्या कर रही है तुम्हारी किताबें? मैंने ये किताबें यहाँ नहीं रखी। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम ही ने यहाँ किताबें रखी थी ताकि तुम शहरोज के सामने मुझे बुरा साबित कर सको। कुछ तो शर्म करो नायला, हद होती है हर बात की। तुम्हें आखिर परेशानी क्या है मुझसे और अफशीन से? वाह भाई बेटी को कह दिया तो कैसा बुरा लग रहा है। मुझे पता है आप ही ने सिखाया होगा इसको, तभी तो अपनी साइड ले रही हैं आप इसकी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ तुम लोग। हाँ हाँ आप लोगों को तो यही लगता है ना, इस घर में सिर्फ मैं ही बुरी हूँ। तो ठीक है मैं ही मर जाती हूँ। अफशीन, अफशीन। अरे मरने दो इसे, ड्रामे कर लिए सारे, मरना मरना तो है नहीं। अफशीन, अफशीन।